Hello everyone and welcome to Achieve IA. My name is Akash Jaran. तो डेली की तरह आज फिर से समय हो गया है द हिंदू की एनालिसिस का. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज है 29 दिसंबर 2020. ठीक है, तो चलिए पहला आपका आर्टिकल है. ठीक है, सीधा हम जो है डायरेक्टली अब गए हम एडिटोरियल्स पे, क्योंकि स्टार्टिंग के मैंने कहा फर्स्ट पेज से स्टार्ट करें तो इतना कुछ था नहीं, तो फिर एडिटोरियल से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली. ठीक है, तो पहला आपका है डीलिंग विद इंडियाज टू फ्रंट चैलेंज. ठीक है, टू फ्रंट आपको नाम से पता लग गया होगा कि टू फ्रंट हम आजकल किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, आपका हम बॉर्डर के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, एक आपका नॉर्दर्न बॉर्डर और एक आपका वेस्टर्न बॉर्डर. ठीक है, नॉर्थ की तरफ हमारा चाइना के साथ आपको पता है ऑलरेडी स्टैंड ऑफ चल रहा है. ठीक है, और पाकिस्तान के साथ तो हमारा हमेशा जो है तनातनी चलती ही रहती है. ठीक है, हमारी सीज फायर वॉल्यूशन जो है पाकिस्तान हमेशा करता ही रहता है. ठीक है, तो इस बार जो है टू फ्रंट चैलेंज की बात हमेशा से हो रही है, इस बार स्पेशली ज़्यादा हो रही है. क्यों? क्योंकि चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ चल ही रहा है और चाइना और पाकिस्तान आपको पता है बहुत अच्छे एक दूसरे के दोस्त हैं और जो दोनों मिलकर हमेशा इंडिया को टारगेट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो इसी वजह से जो है इस बात की पॉसिबिलिटी हमेशा से बनी हुई है इस साल स्पेशली. ठीक है, तो इस बारे में हमेशा बात हो रही है. तो बात करते हैं, टिल रिसेंटली एनी मेंशन ऑफ टू फ्रंट वॉर इवोक टू कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन. ठीक है, तो यहाँ पे दो किन कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस की बात की गई है. एक आपकी करी गई है मिलिट्री फ्रेटर्निटी से. ठीक है, और एक आपकी करी गई है पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी की बात की गई है यहाँ पे. ठीक है, दोनों के विचारों की बात की गई है, दोनों की ओपिनियंस की बात की गई है. जो आपकी मिलिट्री फ्रेटर्निटी है उनका ये कहना है कि जो टू फ्रंट चैलेंज की हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक रियल पॉसिबिलिटी है. ठीक है, कहीं ना कहीं वो एक जरूर ऐसा हो सकता है. ठीक है, उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते. एक तरफ हमें चाइना से भी खतरा है, दूसरी तरफ हमें पाकिस्तान से भी खतरा है. ठीक है, मिलिट्री थ्रेट हमें हमेशा बना हुआ है. ठीक है, तो जिसके लिए हमें जो है अपनी कैपेबिलिटीज को हमेशा डेवलप करके रखना चाहिए ताकि हम इस चैलेंज को जो है हम टैकल कर सकें, काउंटर कर सकें. वही अगर हम पॉलिटिकल क्लास की बात करें तो उनका ये कहना है कि ये जो आपका टू फ्रंट चैलेंज है इसको जो है ओवर हाइप कर दिया गया है मिलिट्री के द्वारा. ठीक है, ओवर हाइप किया गया है मिलिट्री के द्वारा. ठीक है, मैंने आपको ओवर हाइप वर्ड को इस वजह से हाईलाइट करा हुआ है. ठीक है, मिलिट्री के द्वारा ताकि उनको एडिशनल रिसोर्सेज और फंड्स मिल सकें. ठीक है, एडिशनल रिसोर्सेज एंड फंड्स मिल सके. तो कहीं ना कहीं मैं इस पॉइंट पर पॉलिटिकल क्लास से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता. ठीक है, क्योंकि सिर्फ मियर फंड्स और रिसोर्सेज के लिए आई डोंट थिंक कि आर्मी जो है इतना बड़ा एक क्लेम जो है आर्मी कर सकती है. कहीं ना कहीं जो हमारी आर्मी है, इंडियन आर्मी जो है, उसको ज़्यादा एक्सपर्टीज है इस मामले में, इन वाली चीज़ों के ऊपर आर्मी को ज़्यादा एक्सपर्टीज है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है. तो कहीं ना कहीं आर्मी जो है मुझे यहाँ पर सही लगती है. पॉलिटिकल क्लास पे मैं इतना अविश्वास नहीं कर सकता. ठीक है, दे आर्ग्यूड दैट हिस्टोरिकली चाइना हैज नेवर इंटरवीन मिलिटरली इन एनी इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट द इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल टाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना रूल आउट एनी आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज. ठीक है, तो उनका कहना है कि जो चाइना और इंडिया के बीच में जो टाइज हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल टाइज, ठीक है, उनकी वजह से जो है दोनों देशों के बीच में युद्ध जैसा माहौल नहीं बन सकता. ठीक है, युद्ध नहीं हो सकता. और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि चाइना ने जो है आज तक पाकिस्तान के और इंडिया के जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें एक बार भी मिलिटरली इंटरवीन नहीं किया. ठीक है, इंटरफेयर नहीं किया. तो कहीं ना कहीं जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग मतलब जो आपकी जो पॉलिटिकल क्लास है उनका कहीं ना कहीं जो फोकस है वो पाकिस्तान पर ही है. ठीक है, और पाकिस्तान से जो सिक्योरिटी रिस्क आते हैं, थ्रेट आते हैं, कहीं ना कहीं उस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनका ध्यान है, ज़्यादा से ज़्यादा उनका फोकस है. और यही कहानी आपकी 1962 की भी थी. 1962 में हमारा इंडो चाइना वॉर हुआ था, आपको पता है. ठीक है, तो उस वक्त भी मिलिट्री की तरफ से बार बार ये कहा गया था, आर्मी की तरफ से बार बार ये कहा गया था नेहरू जी को कि चाइना की तरफ से हमें खतरा है, चाइना की तरफ से हमें खतरा है. लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी, उन्होंने जो है लगातार उसको इग्नोर किया था. ठीक है, और कहीं ना कहीं फिर इसका अंजाम जो है भुगतना पड़ा था. और ज़्यादा ध्यान जो उनका था वो पाकिस्तान की तरफ था हमेशा से, नेहरू जी का भी. ठीक है, तो इसका जो है खामियाजा जो है भुगतना पड़ा था. एक बार ये हो चुका है तो इसको बार बार ना दोहराया जाए, इस बात का ध्यान जो है हमारी पॉलिटिकल क्लास को रखना चाहिए. ठीक है, देन आपका इंक्लूजन चेंज थिंग्स. ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि आपको पता है इंक्लूजन हुए थे मई से लगातार स्टैंड ऑफ चलता हुआ आ रहा है. ठीक है, और आपको पता है पावरफुल की अगर हम पावर की बात करें तो चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है. ठीक है, मिलिट्री की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बेशक थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा अपर हैंड जो है वो ज़रूर चाइना के फेवर में है अगर हम इंडिया से भी कंपेरिजन करें तो उसका. ठीक है, तो कहीं ना कहीं चाइना जो है कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक फो है हमारा. ठीक है, स्ट्रेटेजिक चैलेंज है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस पर ध्यान रखना चाहिए. द रिवर्स वॉज ट्रू ऑफ पाकिस्तान विद द ग्रेटर लाइकलीहुड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अलोंग द वेस्टर्न बॉर्डर पॉसिबली ट्रिगर्ड बाय अ मेजर टेरर अटैक एमनेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान. ठीक है, पाकिस्तान से भी हम जो है
किसी कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे वो एक टेरर अटैक से ही क्यों ना स्टार्ट हो। ठीक है, द चाइनीज इंट्रूजन इन लद्दाख मे दिस ईयर द वॉयलेंस दैट रिजल्टेड फ्रॉम क्लैशेस बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द पीएलए एंड द डेडलॉक इन नेगोशिएशन हैव नाउ मेड द चाइनीज मिलिट्री थ्रेट मोर अपेरेंट एंड रियल। ठीक है, तो वही बात की गई है कि जो स्टैंड ऑफ चल रहा है और जो क्लैश हमें गलवान वैली पे देखने को मिला, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन रीजन की वजह से जो चाइना का मिलिट्री थ्रेट है वो कहीं ना कहीं रियल है और अपेरेंट है, ठीक है, जिसको जो है न्यू दिल्ली को सीरियसली लेना चाहिए। इवन इफ द करंट इंडिया चाइना क्राइसिस ऑन द बॉर्डर इज रिजॉल्व पीसफुली, चाइना मिलिट्री चैलेंज विल ऑक्यूपाई ग्रेटर अटेंशन। ठीक है, अगर मान लीजिए जो हमारा स्टैंड ऑफ अभी चल रहा है इसको हम डिप्लोमेटिकली जो है शांतिपूर्ण तरीके से इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, लेकिन फिर भी चाइना का जो मिलिट्री चैलेंज है वो कहीं ना कहीं हमारी टेंशन में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस साल जो है इतना लंबा समय इसको हो चुका है स्टैंड ऑफ को, ठीक है, और ऐसा पहली बार हुआ है 4 दशकों में, ऐसा पहली बार हुआ है कि हमें जो है बॉर्डर पर कैजुअलिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, एलएसी पे हमें कैजुअलिटी देखने को मिली है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो चाइना का मिलिट्री चैलेंज थ्रेट है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी मेमोरी से अब जाने नहीं वाला। हमारे जो प्लानर्स हैं, मिलिट्री प्लानर्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, उस उनका ध्यान जो है हमेशा जो है अब इसकी तरफ एक्टिव रहेगा। ठीक है, दिस कम्स एट अ टाइम व्हेन द सिचुएशन अलोंग द एलओसी विद पाकिस्तान हैज बीन स्टेडली डिटेरियोरेटिंग। ठीक है, तो आपको पता है एलओसी पर जो हमारी स्थिति है वो भी लगातार खराब हो रही है। पाकिस्तान जो लगातार सीज फायर ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग भी जो है उनकी बढ़ रही है। आपको पता होगा कि क्रॉस बॉर्डर शेलिंग जो होती है उससे हमारे सिविलियंस की भी डेथ हो चुकी है और हमारे सिक्योरिटी पर्सनल की भी डेथ हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 और 2019 के बीच में जो सीज फायर वॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं 4 गुना बढ़ चुकी है। ठीक है, 4 गुना का जो उसमें जो है इजाफा हुआ है। सम मीडिया रिपोर्ट्स हैड इंडिकेटेड दैट पाकिस्तान हैड मूव 20,000 ट्रूप्स इनटू गिलगित बल्तिस्तान मैचिंग द चाइनीज डिप्लॉयमेंट इन लद्दाख। ठीक है, और अगर हम कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि जो पाकिस्तान है उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान के जो का पीओके वाला एरिया है, ठीक है, वहाँ पर कम से कम 20,000 अपने सैनिकों को भेज दिए है। ठीक है, चाइनीज डिप्लॉयमेंट के बराबर जो है, जो चाइनीज डिप्लॉयमेंट अपनी एलएसी पे कर रही है उसी प्रकार की जो डिप्लॉयमेंट है वो पाकिस्तान ने पीओके में कर दी है। ठीक है, एज पर सम मीडिया रिपोर्ट्स। तो कहीं ना कहीं हमें जो है इसको सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि चाइना का थ्रेड भी जो है लगातार एक्टिव है अभी भी, और पाकिस्तान का भी थ्रेड एक्टिव है। ठीक है, चाइना पाकिस्तान मिलिट्री लिंक्स। ठीक है, आपको पता है चाइना पाकिस्तान के लिंक्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उनकी फ्रेंडशिप, अब आप फ्रेंडशिप कह लीजिए या फिर चाइना का आप ये कह लीजिए कि चाइना जो है पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो फिर आप कह लीजिए, और इनके पता है आपको लिंक्स काफ़ी हमेशा पहले से ही है। ठीक है, और हर स्फीयर में इनके लिंक्स, चाहे वो इकोनॉमिक स्फीयर हो, चाहे वो आपका मिलिट्री स्फीयर हो, चाहे डिफेंस, मतलब आपका मिलिट्री में डिफेंस आ गया खैर, ठीक है, या फिर आपके पोलिटिकल लिंक्स हो। ठीक है, कोई भी अगर बेशक आपके पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, उनके जो लिंक रहते हैं चाइना के साथ वो हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, नवाज शरीफ के टाइम पे भी सेम थे, जब आपके अभी इमरान खान आ गए तो इमरान खान के टाइम पे भी सेम ही है। ठीक है, कोई ज़्यादा चेंज हमें देखने को नहीं मिलता। फॉर श्योर द सिनो पाकिस्तान रिलेशनशिप इज नथिंग न्यू बट इट हैज़ फॉर सीरियस इट हैज़ फार सीरियस इम्प्लीकेशन टूडे देन परहैप्स एवन बिफोर। चाइना हैज़ ऑलवेज लुक्ड एट पाकिस्तान एज अ काउंटर टू इंडिया इन साउथ एशिया। ठीक है, तो चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशन है, जो उनका रिश्ता है वो आपको पता है पुराना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन इस बार जो इसकी इम्प्लीकेशन हो सकते हैं वो कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना टू फ्रंट वॉर की जो पॉसिबिलिटी है वो इस साल कहीं ना कहीं ज़्यादा है। ठीक है, इस साल जो रेटोरिक है और जो आपके थ्रेट है वो कहीं ना कहीं पहले से काफ़ी ज़्यादा है, और चाइना ने हमेशा जो है पाकिस्तान को, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए एक एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं इनको सच्ची दोस्ती आप नहीं कह सकते। ठीक है, दोनों एक दूसरे से मतलब के लिए जुड़े हुए हैं। ठीक, ओवर द ईयर्स द टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज हैज स्ट्रेंथन एंड देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ अलाइनमेंट इन देयर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। जो इनके टाइज हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हुए हैं, और अगर हम डिफेंस लिंक्स की बात करें तो 73% ऑफ टोटल इम्पोर्ट जो पाकिस्तान ने किया है आर्म्स का, ठीक है, मतलब टोटल इम्पोर्ट जो किया है उसमें 73% जो है वो चाइना ओरिजिन का था। ठीक है, मतलब वो चाइनीज आर्म्स थे। ठीक है, 2015 से 2009 के बीच में एकदम देखें तो जितना भी पाकिस्तान का टोटल आर्म इम्पोर्ट्स था, ठीक है, उसमें 73% जो है वो चाइनीज था। ठीक है, चाइना का था मतलब। तो देख लीजिए, मतलब जो इनके मिलिट्री टाइज हैं वो पिछले 4-5 सालों में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। इट वुड देयर फॉर बी प्रूडेंट फॉर इंडिया टू बी, और ये तो खैर आपका डिफेंस की बात होगी, मैं आपको पहले एक और बात बता दूँ, इनके बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी, उसका नाम है शाहीन, शाहीन नाम है उसका। ठीक है, उसको जरूर आप याद रखना, शाहीन नाम है, शाहीन
उसको याद रखना, ठीक है। इट वुड देयरफॉर बी प्रूडेंट फॉर इंडिया टू बी रेडी फॉर अ टू फ्रंट थ्रेट इन प्रिपेयरिंग फॉर दिस द इंडियन मिलिट्री नीड्स टू बी रियलिस्टिकली एनालाइज हाउ दिस थ्रेट कुड मैनिफेस्ट इटसेल्फ एंड द टाइप ऑफ कैपेबिलिटीज दैट शुड बी बिल्ट अप टू काउंटर इट, ठीक है। तो वही बात की गई कि टू फ्रंट वॉर का जो थ्रेट है वो कहीं ना कहीं रियल है और इंडिया को जो है रियलिस्टिकली इसको एनालाइज करना चाहिए कि किस तरह की कैपेबिलिटीज की हमें जरूरत है, किस तरह के स्किल्स जो हमें जरूरत है, किस तरह की मेंटेनेंस, किस तरह की कॉम्बैट रेडीनेस हमें रखनी चाहिए अपनी मिलिट्री में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिया को जरूर ध्यान देना चाहिए इन पर। इन अ टू फ्रंट सिनेरियो द लार्जेस्ट चैलेंज फॉर इंडिया मिलिट्री वुड कम ऑफ द हॉस्टिलिटीज ब्रेक आउट अलॉन्ग द नॉर्थ बॉर्डर विद चाइना इन सच अ कॉन्टिजेंसी देयर इज लाइकलीहुड दैट पाकिस्तान वुड अटेम्प्ट टू टेक एडवांटेज, ठीक है। अगर मान लीजिए चाइना के साथ जो है इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस बात का जो इस्तेमाल इस बात की जो एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान यूज कर सकता है। पाकिस्तान जो है इस बात के एडवांटेज लेते हुए जम्मू कश्मीर में अपनी मिलिट्री इंटरवेंशन को बढ़ा सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं मिलिटेंसी को बढ़ाने की कोशिश कर सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंडिया का ध्यान होगा वो अपने नॉर्थन बॉर्डर पर ज्यादा ज्यादा होगा, क्योंकि जो चाइना है वो कहीं ना कहीं ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो है हमारा ध्यान उसी तरफ ज्यादा होगा। इट इज अनलाइकली दैट पाकिस्तान वुड इनिशिएट अ लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ऐसी पॉसिबिलिटी ये भी कह रहे हैं राइटर साहब कि ऐसा हो सकता है कि जो पाकिस्तान है वो ज्यादा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ना करे बल्कि छोटा सा जो हाइब्रिड वॉर होती है, छोटी सी जो छोटा सा एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है वो करे, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा कोई ज्यादा लार्ज स्केल का उसने किया तो कहीं ना कहीं जो आपके तीन न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं वो तीनों जो है एक आप कह सकते हैं वॉर में आ जाएंगे, ठीक है। तीन न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है ये बहुत खतरे वाली बात है इंटरनेशनल पीस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। इन सच अ कंटिजेंसी द डैमेज टू पाकिस्तान इकोनॉमी एंड मिलिट्री फॉर फार आउटवेक्स द एडवांटेज ऑफ कैचिंग सम पीसेस ऑफ ग्राउंड, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर पाकिस्तान को लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहता है तो जो डैमेज पाकिस्तान को होगा वो कहीं ज्यादा होगा, ठीक है। छोटे छोटे अगर वो पीस जो है जम्मू कश्मीर में अगर जो है सीज करेगा तो उससे ज्यादा जो डैमेज है वो पाकिस्तान को इकोनॉमिक और मिलिट्री रूप से जो है फेस करना पड़ेगा अगर लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट जो है पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ, ठीक है, इंडल्ज हुआ अगर, ठीक है। और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारा ऐसा अगर मान लीजिए अगर सच्ची में अगर ऐसा कुछ हुआ, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता है इंडिया की और पाकिस्तान की मिलिट्री का अगर कंपैरिजन करें तो इंडिया की मिलिट्री जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडिया की जो आर्मी है मिलिट्री कैपेबिलिटीज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर पाकिस्तान ने कुछ ज़्यादा ज़्यादा करने की कोशिश की तो जो थोड़ा बहुत हिस्सा पीओके का उसके पास है वो पीओके वाला हिस्सा भी पाकिस्तान खो दे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं सोच समझ के ही जो है अपने कदम उठाएगा। पाकिस्तान वुड प्रेफर द लो रिस्क ऑप्शन ऑफ परसुइंग अ हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट दैट रिमेंस बिलो द थ्रेशोल्ड वॉर, ठीक है। तो वही बात है कि चाइना जो पाकिस्तान जो है वो आपका हाइब्रिड कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहेगा, वो कहीं ना कहीं वॉर से थोड़े पीछे ही रुक जाएगा, ठीक है। तो वॉर करने की जो है पाकिस्तान नहीं सोच सकता, लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, ठीक है। टू फ्रंट थ्रेट के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वॉर ही हो। अगर थोड़ी बहुत कैजुअलिटी भी होगी तो वो जो है इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। अपने सोल्जर्स की अपनी कैपेबिलिटीज को जो है हमेशा इंडिया को मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। देन डिलेमा की बात करें, डिलेमा इंडिया के लिए क्या क्या है। टू फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट द इंडियन मिलिट्री विद टू डिलेमास, ठीक है। ऐसे कौन कौन से डिलेमास उनकी बात करते हैं, एक आपका आईएफ वाला है, देन आपका है रिसोर्सेज के रिलेटेड है, ठीक है। तो आईएफ इंडियन एयरफोर्स का क्या डिलेमा है कि एक पेपर आपको पब्लिश हुआ था 2016 में जिसमें बताया गया था कि अगर इंडिया को टू फ्रंट वॉर से अगर डील करना है तो कैसे क्या होगा, ठीक है। तो आईएफ का उसमें बताया गया था कि कम से कम 60 कॉम्बैट स्क्वाडियंस की जरूरत आईएफ को पड़ेगी अगर टू फ्रंट थ्रेट को जो है इंडिया को टैकल करना है, उसको अच्छे से काउंटर करना है, तो ठीक है। लेकिन अगर करंटली अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाडियंस की, अगर लिमिट की बात करें और स्ट्रेंथ की बात करें, तो हमारे पास अभी सिर्फ 30 कॉम्बैट स्क्वाडियंस रेडी हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे हैं उस लिमिट से, उस 60 मैजिक नंबर 60 से हम बहुत पीछे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर हमें अपनी लिमिट्स को बढ़ाने की जरूरत है, वहाँ पर हमें अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की जरूर हमारे लिए ये बहुत एक जरूरी चीज़ है, ठीक है। तो हमें वो करना चाहिए ताकि हम जो है आसानी से दोनों फ्रंट्स को कंट्रोल कर सकें, क्योंकि अब जैसे जैसे आपका वक्त आगे बढ़ रहा है ना, तो आईएफ का रोल जो आपका एयरफोर्स का रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अ मेजर डिसीजन विल बी द क्वांटम ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो आपका सेकंड डिलेमा वो आपका क्वांटम ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, कि कैसे कैसे जो है एलोकेशन किया जाएगा। अब आपके मान लीजिए एक साथ दोनों जगह पर अगर आपकी स्टार्ट हो गया आपका मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर कैसे कैसे जो है रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा दोनों ही फ्रंट्स पे,
ठीक है, इफ अ मेजोरिटी ऑफ द असेट्स ऑफ द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन फोर्स आर स्टैंड टुवर्ड्स द नॉर्थन बॉर्डर, इट विल रिक्वायर द मिलिट्री टू रीथिंक इट्स स्ट्रेटजी फॉर द वेस्टर्न बॉर्डर। ठीक है, अगर हमने ज्यादा से ज्यादा अपने रिसोर्सेज अगर हमने चाइना की तरफ भेज दिए, क्योंकि चाइना को पता ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वहां पर जो है हमारी किसी भी कॉम्प्लेक्सेंसी हम नहीं दिखा सकते, वहां पर हमें हमेशा जो है अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा के रखना पड़ेगा, वहां पर अपनी फुल तैयारी हमें रखनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा हमें अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज हमें ज्यादा से ज्यादा वहीं पर जो है डिप्लॉय करने पड़ेंगे, क्योंकि चाइना जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इस वजह से हमें अगर हमने वहाँ पर ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया, तो फिर हमें वेस्टर्न बॉर्डर को रीथिंक देना पड़ेगा, वहाँ पर जो है हमें फिर से कंसिडर करना पड़ेगा कैसे हमें कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड डिलेमा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिलेमा आपका IAF वाला है, सेकंड डिलेमा आपका हो गया रिसोर्सेज का। ठीक है, इवन दो पाकिस्तान में ओनली बी परसुइंग अ हाइब्रिड वॉर शुड द इंडियन मिलिट्री रिमेन एंटायरली डिफेंसिव, डिफेंसिव तो हमें बिल्कुल रहना ही चाहिए। ठीक है, अगर हम डिफेंसिव जाएंगे तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एनक्रेज हो जाएगा कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, अब कहीं ना फिर कहीं ना कहीं उसका जो उसका उसकी जो असर्टिवनेस है ना, उसका जो एग्रेसिव नेचर है वो कहीं ना कहीं और बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका एग्रेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें डिफेंसिव रहना चाहिए, हमें उसको अच्छे से काउंटर करना चाहिए, और इस चीज को इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को काफी सीरियसली लेना चाहिए कि हमको जो है पहले से ही इस बारे में तैयारी रखनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या किया जाएगा। ठीक है, अपने ड्रिल्स कंडक्ट करवाइए, अपने प्रैक्टिस मॉक ड्रिल्स करवाइए, ताकि पता पता लगे जिससे कि कैसे कैसे किस रेशियो में जो है हमें रिसोर्सेज को जो है डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अगर ऐसी कोई सिचुएशन अगर आती है तो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सीरियसली थिंक इसको देना चाहिए, मैं बार बार इस बात को पुश कर रहा हूँ कि जरूर इसको करना ही चाहिए। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन विद एनी सर्टेनिटी द कंटूर्स ऑफ अ टू फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ इट वुड एक्चुअली प्ले आउट। ठीक है, तो ये सबको पता है कि टू फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट है अगर, तो उसके कंट्रोल्स को कोई अगर अभी पहले से उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हमें जो है अपनी पॉलिसी बना कर रखनी चाहिए, अपने आप को तैयार रखना चाहिए, अपनी डॉक्ट्रिन बना कर रखनी चाहिए। ठीक है, डॉक्ट्रिन वही कि कैसे कैसे क्या किया जाएगा, पहले से सब कुछ तैयार रखना चाहिए। ठीक है, डेवलपिंग अ डॉक्ट्रिन विल रिक्वायर क्लोज इंटरेक्शन विद द पॉलिटिकल लीडरशिप, और पॉलिटिकल लीडरशिप को जरूर हमें साथ में रखना चाहिए, उनसे बातचीत होती रहनी चाहिए मिलिट्री की। ठीक है, आर्मी की बातचीत लगातार होती रहनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि दोनों के जो कॉन्ट्रास्टिंग हमने व्यूज की बात की थी ना, कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस की बात की थी। ठीक है, तो उस कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस को हमें साइड में हटा देना चाहिए, देन दोनों को जो है कोऑपरेशन में बातचीत करनी चाहिए और डॉक्ट्रिन तैयार करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल लीडरशिप से हम बातचीत नहीं करेंगे तो कोई डॉक्ट्रिन जो है काम की रहेगी नहीं, क्योंकि जो आपका जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो आपको पता है हमारे देश में सिर्फ पॉलिटिकल क्लास से ही आता है, जो फाइनल ऑर्डर है वो हमारे देश में पॉलिटिकल क्लास से ही आएगा, तो कहीं ना कहीं उनको जो है हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, कैपेबिलिटी बिल्डिंग ऑल्सो रिक्वायर्स अ सीरियस डिबेट, पर्टिकुलरली इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट द कंट्रीज इकोनॉमिक सिचुएशन विल नॉट परमिट एन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द डिफेंस बजट फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। और कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेबिलिटी बिल्डिंग, इसको जो है सीरियस डिबेट मिलना चाहिए। हमने को बताया कि 30 स्क्वाड्रन हमारे पास अभी हैं, और हमें चाहिए कहते हैं 60 स्क्वाड्रन। ठीक है, तो इकोनॉमिक सिचुएशन जो हमारे देश की अभी है, जो हमारे देश की जो भी आर्थिक स्थिति है, उसको देखते हुए हम अभी शायद ऐसा कह सकते हैं, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ समय तक डिफेंस बजट में हमें कुछ ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आर्थिक हालत हमारे देश की है वो इतनी अच्छी है नहीं। ठीक है, रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा गिरे हैं ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से, और आपको पता है टेक्निकल रिसेशन भी हमारे देश में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, 2 लगातार क्वार्टर्स में हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा है। ठीक है, और तो इस वजह से जो है हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमें ऐसे कुछ प्लान्स हमें चॉकआउट करने चाहिए कि हम जो है अपने उसको स्क्वाडन लिमिट को बढ़ा सके, और अपनी जारी हमारी जितनी भी फोर्सेस है, वो नेवी हो चाहे आर्मी हो चाहे एयरफोर्स हो, ठीक है, उनके पास सारे रिसोर्सेज एम्पल अमाउंट में प्रेजेंट हो। देर इज टू मच फोकस ऑन मेजर प्लेटफॉर्म सच एज एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड टैंक्स, एंड नॉट इनफ ऑन द फ्यूचर टेक्नोलॉजी सच एज रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। ठीक है, तो इनका कहना है कि अभी जो हमारे देश का जो फोकस है वो मेनली आपके एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड टैंक्स पे है। ठीक है, जो आपकी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है उन पर इतना फोकस हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेशन में करने नहीं, चाहे वो आपका रोबोटिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, साइबर हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो। ठीक है, जो आपका टेक्नोलॉजी जो है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाली जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं वो टेक्निकल स्पेयर में ज़्यादा होने को हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इन पे जो है इंडिया को बराबर का ध्यान रखना चाहिए। देन डिप्लोमेसी क्रूशियल, डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी का तो मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ हमेशा से। ठीक है, डिप्लोमेटिक बातचीत हमेशा चलती रहनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताना कि बातचीत एक ऐसा साधन है जिससे कि कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी बात मनवाई जा सकती है। ठीक है, कोई भी बड़ा से बड़ा कंसेंसस जो है वो बिल्ड किया जा सकता है बातचीत के जरिए। ठीक
ठीक है, तो डिप्लोमेसी हैज अ क्रूशियल रोल टू प्ले इन मीटिंग द टू फ्रंट चैलेंज। ठीक है, डिप्लोमेसी जो है वो हमेशा तैयार रहनी चाहिए, ठीक है, और इंडिया को जो है अपने नेबर के साथ इफेक्टिव आउटरीच करना चाहिए, इफेक्टिव डायलॉग हमेशा बना के रखना चाहिए, ताकि जो ये इंडिया के जो एडवर्सरीज हैं बीजिंग एंड इस्लामाबाद, ठीक है, इनकी जितने भी कोशिशें हैं इंडिया को कंटेन करने की, इंडिया को कंस्ट्रेन करने की, वो जो है सारी अनसक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, तो इंडिया को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और इफेक्टिव डायलॉग और इफेक्टिव डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व रहना चाहिए अपने सारे नेबर्स के साथ। ठीक है, चाहे वो नेपाल हो, नेपाल पे ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो भूटान हो, ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश, एक्सेट्रा, हमेशा उन पर ध्यान रखना चाहिए। द गवर्नमेंट्स करंट एंगेजमेंट ऑफ द की पावर्स इन वेस्ट एशिया इंक्लूडिंग ईरान शुड बी फर्दर स्ट्रेंथन। ठीक है, ईरान पे जो है स्पेशल फोकस रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ईरान और चाइना को कुछ दिनों पहले कोई आपका एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद ईरान ने जो है वो रेलवे लाइन वाला प्रोजेक्ट जो है उसको कैंसिल कर दिया था। तो कहीं ना कहीं इन सबको जो है और बड़े लेवल पर जाने से इंडिया को रोकना चाहिए, और जल्दी से जल्दी जो है ईरान को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, उससे अपने जो रिलेशन है उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ठीक है, ताकि इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी बनी रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो बाइडन के आने के बाद ईरान पर सेंक्शन हटेंगे, जो हमारा एंगेजमेंट है ईरान के साथ वो हम इजिली कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी ऑयल डील हो, बेशक जो हमारा ऑयल के साथ ट्रेड हो वो भी हम इजिली कर पाएंगे। ठीक है, और न्यू दिल्ली मस्ट ऑल्सो एंश्योर दैट इट्स रिलेशनशिप विद मॉस्को इज नॉट सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ इंडिया यूएस रिलेशन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत सही है, मैं मानता हूँ, ठीक है, कि न्यू दिल्ली को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके जो रिलेशन है ना वो रशिया के साथ बिल्कुल भी ना इफेक्टेड हो, ठीक है, बिल्कुल भी उन पर गलत असर ना पड़े, क्योंकि इंडिया के और रशिया के रिलेशन जो है वो टाइम टेस्टेड है। ठीक है, टाइम के साथ उसको टेस्ट किया जा चुका है, हमेशा जब हमारे पास कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो रशिया ने हमेशा हमारा साथ दिया है। ठीक है, और हमें जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर किसी के साथ दोस्ती कर रहे हैं, अगर हम अमेरिका के साथ हम दोस्ती कर रहे हैं, ठीक है, अपने रिश्ते को अगर और हाई लेवल पर लेकर जा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट हमारी और मॉस्को की दोस्ती पर ना पड़े, जो कि हमें पड़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो उसको कोई जो है उसको फिर से ठीक करने की जरूरत है, उसको फिर से जो है कंसिडर करने की जरूरत है। ठीक है, कहीं ना कहीं इंडियन डिप्लोमेसी का ये लिटमस टेस्ट हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो फिर जरूर इसको करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रशिया जो है वो काफी ज्यादा अच्छा रोल इंडिया के लिए प्ले कर सकता है। ठीक है, एक टाइम टेस्ट फ्रेंडशिप जो है इंडिया को खोनी नहीं चाहिए। देन आपका नेक्स्ट आर्टिकल अगर हम बात करें, देन आपका है रिफॉर्म्स विद द फ्यूचर एंड द फार्मर नीड्स इन द माइंड। ठीक है, जो आपके अभी 3 फार्म बिल्स जो पास किए गए, जिनको लेकर फार्मर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको उससे रिलेटेड आपका ये आर्टिकल है। ठीक है, तो बात करते हैं कि क्या क्या है इसमें। आपकी नीति आयोग के आपके राइटर जो नीति आयोग के मेंबर हैं, ठीक है, तो उन फार्म बिल्स को पॉजिटिव इन्होंने बताया, तो थोड़ी बहुत बात करते हैं उसके बारे में कि क्या कुछ उनका कहना है। ठीक है, तो आपको पता है जो मेजर एप्रीहेंशन जो आपके फार्मर्स के बीच में है, ठीक है, इन बिल्स को लेकर वही आपका जो मैंने हाईलाइट कर रखा है कि एपीएमसी बिल भी इवेंचुअली क्लोज, एपीएमसी बंद हो जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर फायदा ही नहीं होगा, गवर्नमेंट में अगर वहाँ पे ट्रांजेक्शन ही नहीं होगी तो गवर्नमेंट उसको क्यों तैयार रखेगी। ठीक है, देन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस विल बी स्टॉप, एक एप्रीहेंशन ये भी है। देन कॉर्पोरेट्स विल टेक ओवर एग्रीकल्चर ट्रेड एंड फार्मर्स लैंड विल बी टेकन ओवर बाय पावरफुल कॉर्पोरेट। ठीक है, तो ये कुछ आपकी अप्रिहेंशन है जो प्रोटेस्टर्स ने जो है एक्सप्रेस की है इन बिल्स को लेकर। ठीक है, बिल्स आपकी ये रहे। ठीक है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन एक्ट एंड द फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन। सॉरी, मैंने बिल बोल दिया, सॉरी बिल नहीं है वो, सारे वो एक्ट बन चुके हैं, आपको पता है उनको प्रेजिडेंट का असेंट मिल चुका है। ठीक है, तो फिर ये एक्ट है, आई एम सो सॉरी कि मैंने उनको बिल बोल दिया, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन एक्ट एंड द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइसेस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। ठीक है, एक आपका एसेंशियल कमोडिटीज वाला अमेंडमेंट एक्ट भी था। ठीक है, तो उसका नाम यहाँ पर नहीं है। बेसिस फॉर रिफॉर्म्स दे तो मतलब उन्होंने कुछ रीजन दिए हैं कि रिफॉर्म्स क्यों जरूरी थे। तो उन्होंने बताया कि जो गैप था एग्री इनकम फार्मर और नॉन एग्रीकल्चर वर्कर के बीच में इनकम गैप था, जो वो आपका 1993 में वो गैप आपका 25,000 का था। ठीक है, लेकिन अब वो गैप आपका बढ़कर 2011 में कितना हो गया, 1.42 लाख रुपीज हो गया। ठीक है, तो ये गैप आपका देख लीजिए कितना बढ़ गया। ठीक है, कहीं ना कहीं 4 गुना से भी ज्यादा इजाफा हमें इसमें देखने को मिला। ठीक है, तो एक चीज उन्होंने ये दिया कि जो गैप है हमें इसको कम करना है, हमें जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको भी बढ़ाना है। ठीक है, और जो आपका पता है मोदी गवर्नमेंट ने तो हमेशा पहले कह दिया कि हम जो है फार्मर इनकम को डबल करेंगे। देर इज अ वाइड स्प्रेड फीलिंग ऑफ एग्रेरियन डिस्ट्रेस, एग्रीगेट फूड डिमांड हैज फॉलन शॉर्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन नेसेसिटेटिंग द एक्सपोर्ट ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी टू प्रिवेंट डोमेस्टिक प्राइसेस फ्रॉम फॉलिंग वेरी लो। ठीक है, एग्रीगेट फूड डिमांड है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से काफी ज्यादा लो है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सेस स्टॉक जो है वो रखा हुआ है। आपको पता है कि इस बार भी हमारी बम्पर फसल हुई थी, बम्पर हार्वेस्ट हमारा इस बार भी हुआ था। ठीक है, कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो कम है और जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है वो ज्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है इफेक्टिवली इंडिया ने कोरोना पैंडेमिक के वक्त पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इतना अच्छा भी जो है
इम्प्लीमेंट कर दिया था, ठीक है। एक यही रीज़न है कि इंडिया के पास एक्सेस स्टॉक है वो अच्छे खासे अमाउंट में मौजूद है, ठीक है। इंडिया से एग्री एक्सपोर्ट्स आर गेटिंग डिफिकल्ट टू पुश, इम्पोर्ट्स आर टर्निंग अट्रैक्टिव एज डोमेस्टिक प्राइसेज आर टर्निंग मच हायर देन इंटरनेशनल प्राइसेज, ठीक है। और जो आपके इम्पोर्ट्स आर टर्निंग अट्रैक्टिव एज डोमेस्टिक प्राइसेज आर टर्निंग मच हायर, जो आपके डोमेस्टिक प्राइस है वो ज़्यादा है, जो आपकी इंटरनेशनल प्राइस है वो आपके कम है, ऐसा कहा गया है, ठीक है। और देन उन्होंने बात की गई है, एक उन्होंने कहा है कि जो हमारे देश में जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है ना वो सब्सिडीज से ज्यादा होती है, ठीक है। सब्सिडीज एंड आउटपुट प्राइस सपोर्ट, इन सबसे जो है आपके हमारे देश में जो आपका एग्रीकल्चर उसकी उसकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा होती है, ठीक है। और सब्सिडीज आपको पता है गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू आता है उसमें सब्सिडीज निकाल दी जाती है। तो उन्होंने बताया कि नेट रेवेन्यू रिसीट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज बिलो 9% ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो जितनी भी गवर्नमेंट का जो रिसीट आती है, ठीक है, नेट रेवेन्यू रिसीट, वो जीडीपी के कंपैरिजन में अगर हम देखें, रेशो में देखें, तो जीडीपी से 9% भी कम है, ठीक है। मतलब 9% ऑफ जीडीपी से भी कम है, उससे भी कम है, ठीक है। तो अगर अगर फिर से जो है इसी तरीके से अगर हमें एग्रीकल्चर अपने देश को एग्रीकल्चर को चलाना है, ठीक है, इसी तरीके से गवर्नमेंट के रेवेन्यू से निकाल के, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए इतनी अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। इफ फार्मर्स आर टू बी इंश्योर्ड रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस थ्रू प्रोक्योरमेंट एंड एमएसपी एज पर द डिमांड पुट बाय द प्रोसेसिंग फार्मर्स, दिस कॉस्ट एंड लॉसेस एंड सब्सिडीज विल टेक अवे मोस्ट ऑफ द टैक्स रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लाइन उन्होंने अगर ऐसे लिख दी ना, तो इसका एक साफ अंदेशा मिल रहा है लोगों को कि गवर्नमेंट एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट नहीं करना चाहती, ठीक है। तो इन्होंने ये लाइन अगर ऐसे लिख दी, जो इन्होंने पब्लिकली इतनी बड़ी लाइन लिख दी उन्होंने कि अगर अगर गवर्नमेंट जो है एमएसपी प्रोक्योरमेंट करेगी, तो कहीं ना कहीं ये जो जो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो सारा चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसी बात पब्लिक सेल्स में लिखने से जो है कॉन्फिडेंस जो है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। इन बिल्स से, इन एक्ट से, सॉरी, जो लोगों का कॉन्फिडेंस जिन लोगों का था वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, मेरा भी पर्सनली थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जो है अपना जो उनका एम है ना इन एक्ट से वो क्लियरली डिफाइन करना चाहिए, क्योंकि नीति आयोग पता है आपको गवर्नमेंट फंक्शनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है, ठीक है। तो अगर वहां से किसी ऑफिशियल से हम ऐसी लाइन देखेंगे तो वो कॉन्फिडेंस कम करने वाली पूरी पूरी चांसेस है। द वे फॉरवर्ड डन फॉर इंश्योरिंग रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स इज थ्रू इंक्रीज कॉम्पिटिशन फॉर सेल ऑफ देयर प्रोड्यूस, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न वैल्यू चेन, वैल्यू एडिशन, एक्सपोर्ट एंड प्रोसेसिंग एज अ पार्ट ऑफ रूरल इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा है कि प्राइवेट प्लेस प्लान जरूरी है, ठीक है, किसी की कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा जिसकी वजह से फार्मर्स को अच्छे प्राइसेस मिल सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है अपने क्लेम को जो है जस्टिफाई किया है इससे, ठीक है। देन क्राइटेरिया को लेकर उन्होंने थोड़ा सा डिस्प्यूट बताया है कि जो फार्मर्स है वो एक बात को लेकर काफी दुखी है कि जो ट्रेडिंग एक्ट है उसमें ये कहा गया है कि अगर किसी को ट्रेडर बनना है तो सिर्फ एक पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड के बेसिस पर आप जो है ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। तो फार्मर्स का ये कहना है कि आप जो है स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया लेके आइए जिससे कि ट्रेडर्स के पैरामीटर्स को फुलफिल किया जा सके, ठीक है। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर हम कि अगर हम लोग ऐसा इतना सिंपल से क्राइटेरिया लेकर नहीं आते, ठीक है, इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि जो आपके फार्मर्स हैं, ठीक है, उनके मान लीजिए कोई ज्यादा पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो लोग जो है वो भी जो है साझे ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। पैन कार्ड ही तो चाहिए, पैन कार्ड में तो क्या लगता है, पैन कार्ड में तो कुछ भी नहीं लगता, ठीक है, इजली जो है बन जाता है आपका, बहुत सा एक मिनिमल सी फीस जाती है बस आपकी, ठीक है, उसके बेसिस पर आपका पैन कार्ड बन जाता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ये स्टैंड है कि जो कि अगर हम स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया लेके आ जाते हैं तो आपके पास भी एंटरप्रेन्योर बनने का मौका नहीं रहता, ठीक है, आप भी जो है ट्रेडर नहीं बन पाते, ठीक है। और अगर वहीं पर हम अगर हम स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया लेके आ जाते हैं जैसे कि बैंक गारंटी चाहिए या फिर कुछ और चाहिए, तो फिर ट्रेडर बनने का जो एक आपका रह जाता ना, जो एक आपकी पॉसिबिलिटी रह जाती है वो कहीं ना कहीं ट्रेडर क्लास के पास रह जाती है, जिनका काम ही है ट्रेडिंग उनके पास रह जाती है, लोग जो है अपने लेवलीहुड को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाते। अगर फार्मर्स को मान लीजिए, अगर मान लीजिए फार्मर्स जो है फार्मिंग करना चाहते हैं, देन आपका उनको सोच चाहते हैं कि मैं ट्रेडिंग भी करूँ, तो वो पैन कार्ड के जरिए इनकी सिंपल से क्राइटेरिया से कर सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया आ जाता है तो उनके पास जो है ये अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है, ऐसा जो है गवर्नमेंट का स्टैंड है, ऐसा जो इनका कहना है, ठीक है। तो इन्होंने यही इस आर्टिकल में ज्यादा कुछ था नहीं, उन्होंने जो है मोस्टली इन्होंने इन बिल्स की सराहना कर रही है, ठीक है। और तो वही है जो मैंने आपको इन पर जो बताने लायक थे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देन वॉर एंड वर्ड्स कि हमें एक आर्टिकल है ये आपका तालिबान से रिलेटेड है, ठीक है, अफगान गवर्नमेंट तालिबान से रिलेटेड। आपको पता है कि रिपोर्ट आई थी एक दो दिन पहले कि 5 जनवरी 2021 से जो बातचीत है फिर से स्टार्ट हो जाएगी तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, दोहा में, कतर की कैपिटल आपकी दोहा है, ठीक है, वहाँ फिर से बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इस आर्टिकल में बताया गया है कि
आपको पता है ना कि अफगानिस्तान में जो वॉलेंस है ठीक है वो बढ़ रही है लगातार ठीक है। बेशक जो सीज फायर के कॉल्स है वो लगातार आ रहे हैं कि सीज फायर हमें चाहिए, सीज फायर लगाओ, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है ठीक है। एक दो दिन के लिए बस ईद पर लग जाता है सीज फायर, उसके बाद फिर सब कुछ स्टार्ट हो जाता है ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया कि कैसे क्या ये सब है, तो उसके बारे में बात करते हैं। द ईयर 2020 वाज वन ऑफ द ब्लडीएस्ट इन अफगानिस्तान। जो आपका 2020 का जो साल गया है वो अफगानिस्तान में ब्लडीएस्ट कह सकते हैं, वन ऑफ द ब्लडीएस्ट गया है ठीक है। सबसे ज्यादा खून खराब हमें यहाँ पर देखने को मिला है इस वाले साल में ठीक है। 19 ईयर लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट आपका ये है। आपको तो आपको पता है 2001 में जो है आपका अफगानिस्तान में तालिबान का डिक्लाइन हो गया था, तालिबान को जो है वहाँ से रिजाइन को जो है अमेरिका ने हटा दिया था ठीक है। तो जब से जो आपका कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे लगातार चल रहा है ठीक है, तो 2020 को हम लोग जो है ब्लडीएस्ट कंसिडर कर सकते हैं इन 19 सालों में, वन ऑफ द ब्लडीएस्ट ठीक है। इट सो यूएस तालिबान एग्रीमेंट इन फेब्रुवरी वेयर द अमेरिकन प्रॉमिस टू विड्रॉ ट्रूप्स ठीक है। आपको पता है फेब्रुवरी में अमेरिका के बीच में तालिबान के बीच में आपका एग्रीमेंट होगा, जिसमें ये कहा गया था कि जो आपके अमेरिकन ट्रूप्स हैं वो अफगानिस्तान की जमीन को छोड़ के चली जाएंगी। लेकिन उसके बदले में उन्होंने क्या एश्योरेंस मांगी, अब अमेरिका ने ये एश्योरेंस मांगी कि तालिबान जो है वो किसी और टेरर आउटफिट को या फिर खुद भी ठीक है अफगानिस्तान की सोच पर ऑपरेट करने नहीं देगा ठीक है। आपको पता है अलकायदा जो था आपका बेसिकली उसने अफगानिस्तान की सोच पर ऑपरेट करके जो आपका 9/11 का जो हमला था उसको कंडक्ट करवाया था ठीक है। तो यही जो है एक एश्योरेंस जो है अमेरिका ने मांगी है। अमेरिका जो है ज्यादा कुछ कंसेशन तालिबान से लेने में असमर्थ रहा है। ये बहुत बड़ी एक डिप्लोमेटिक लॉस है, एक फेलियर है डोनाल्ड ट्रंप के लिए ठीक है। उन्होंने जो है इलेक्शन के लिए ट्रूप्स को हटाने की बात कर दी ठीक है, ताकि वो थोड़े बहुत वोट गार्नर कर सके, थोड़े एक्स्ट्रा वोट जो है वो ले सके ठीक है। लेकिन ये जो है इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत खराब बात है ठीक है, अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत खराब बात है जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है ठीक है। इन सेप्टेम्बर द अफगान गवर्नमेंट एंड द तालिबान बिगेन पीस टॉक्स। आपको पता है सेप्टेम्बर में बातचीत स्टार्ट हुई, कहीं पे कहाँ पे हुई, दोहा में ही हुई, दोहा की कतर में, फिर से बता रहा हूँ ठीक है। तो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी एक लोकेशन आप देख लीजिएगा ठीक है। बट डिस्पाइट दिस डिप्लोमेटिक ओपनिंग्स बोथ साइड्स हैव कंटिन्यूड देयर अटैक्स ठीक है। तो लेकिन बेशक बातचीत रही थी, बेशक उनकी जो टॉक्स थी वो लगातार चालू थी, लेकिन फिर भी जो वॉलेंस थी वो रुकने का नाम लेने रही थी अफगानिस्तान में। और अगर हम यूएस स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन की बात करें, उनकी रिपोर्ट की बात करें, तो उसमें बताया गया है कि 50% जो हमें वॉलेंस में हमें स्पाइक देखने को मिला ठीक है, 50% वॉलेंस में हमें इजाफा देखने को मिला है। अफगानिस्तान ऑल्सो सो इंक्रीज टारगेटिंग क्लिंग स्पेशली ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स ठीक है। लेकिन ये बात देख लीजिए, 50% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है, तो अमेरिका करना क्या चाहता था ठीक है। किस बात के झांसे में अमेरिका आ गया भाई, किस बात की जबरदस्ती थी कि आपने जो है ट्रूप्स को वहां से कम करने का निर्णय ले लिया ठीक है। और आप देख लीजिए आपके सामने सामने 50% का इंक्रीज अगर हो रहा है ठीक है, जबकि थोड़े बहुत ट्रूप्स अभी प्रेजेंट है वहां पर, और बिल्कुल ही जाने के बाद तो क्या हाल होगा ठीक है। अभी भी जो है इस डील के साथ आगे चल रही है अमेरिका, अमेरिका अभी भी जो है इंटरवेंशन नहीं कर रहा है ठीक है। तो क्या जो है दिमाग में चल रहा है अमेरिका के, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ठीक है। जरूर जो है इंटरवेंशन की यहाँ पे जरूरत है, जरूर फिर से जो है इसको एक कंसिडर करने की जरूरत है ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं मीडिया प्रोफेशनल्स वाली बात पे। आपको पता है कि मीडिया प्रोफेशनल की जो टारगेटेड किलिंग है वो बढ़ गई है एकदम से अमेरिका उसमें अफगानिस्तान में ठीक है। चाहे वो आपके मलाला मायवांड हो ठीक है, जिनकी जो है गोली मार हत्या कर दी गई थी उनके ड्राइवर के साथ, और चाहे वो आपके रहमतुल्ला निकजाद हो ठीक है, जिनको जो है गजनी में उनकी हत्या कर दी गई थी ठीक है। तो कहीं ना कहीं तालिबान पे ही हमें इसका वो जा रहा है ठीक है। तालिबान ने बेशक अपना रोल को जो है उसको डिनाई किया है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया ठीक है, लेकिन हम लोग माँ कह सकते हैं कि तालिबान का कहीं ना कहीं हाथ है। क्योंकि आपको पता है जब तालिबान का रूल था ठीक है, तालिबान ने जब राज किया था अफगानिस्तान में, तो कितने स्ट्रिंजेंट उनके लॉज थे कि आप एंटरटेनमेंट नहीं कर सकते, आप टीवी नहीं देख सकते, आप एजुकेशन जो है औरतें नहीं ले सकती, फीमेल्स नहीं ले सकती हैं ठीक है। और प्रेस पे कितनी जो है उन्होंने वो लगा दी थी सेंसरशिप ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं तालिबान का इसमें हाथ है, जो कि उनकी फितरत थी, इस वजह से हम जो है तालिबान का हाथ में पा सकते हैं। द पीस टॉक्स आर अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, द यूएस फर्स्ट कट अ डील विद तालिबान एंड देन आर्म टू स्टेट द गवर्नमेंट टू जॉइन द टॉक्स ठीक है। तो आपको पता है गवर्नमेंट जो है बातचीत करना नहीं चाहती थी, गवर्नमेंट जो है तालिबान को बिल्कुल भी जो है थोड़ा सा भी शेयर नहीं देना चाहती थी, जो कि सही भी मेरे अगेंस्ट मेरे मेरी पर्सनल व्यू में है ठीक है, कि तालिबान को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि तालिबान की जो मेंटेलिटी है वो कहीं ना कहीं आज भी वैसी की वैसी होगी ठीक है। तो यूएस ने जो है इसको सही नहीं किया, यूएस को जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको डील करना चाहिए था, और तालिबान को फुली जो है निकालना चाहिए था, या फिर कोई ऐसी डील करनी चाहिए थी जिससे तालिबान जो है अपनी कुछ ऐसी एश्योरेंस दे कि वॉलेंस जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वॉलेंस जैसा कुछ रहेगा नहीं ठीक है। अब्दुल्ला अब्दुल्ला हु चैलेंज द 2019 इलेक्शन रिजल्ट एंड फॉर्म अ शॉर्ट लिव पैरेलल गवर्नमेंट ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो डेलीगेशन जो आपको आपको उसको लीड कौन कर रहा है, वो आपके अब्दुल्ला अब्दुल्ला ठीक है, जो आपके अपोजिशन के मेंबर थे।
डिस्पाइट द डिवीजन विद इन, ठीक है, वैसे गवर्नमेंट में जो डिवीजन है, लेकिन फिर भी ऐसा कहा गया कि सीज फायर जो है लगाओ, सीज फायर की डिमांड हमेशा की गई है, लेकिन सीज फायर अभी जब से लगा है नहीं, क्योंकि वॉल्यूम्स बढ़ता जा रहा है और प्रिजनर्स वो आपका जो आपका प्रिजनर स्वैप है वो आपको हो चुका है, ठीक है। तालिबान के बहुत सारे प्रिजनर्स को जो है रिलीज कर दिया गया है, जो आपका डील का एक पार्ट था। एंड अर्ली दिसंबर आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ टॉक्स द तालिबान एंड द गवर्नमेंट डेलीगेशन एग्रीड ऑन अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर द टॉक्स, ठीक है। तो रूल्स एंड प्रोसीजर्स यहाँ पे क्या थे वो हमें क्लियर है नहीं, ठीक है, लेकिन उन पे जो है एग्रीमेंट जो है अफगानिस्तान के गवर्नमेंट तालिबान के में जो है बन चुका है। हम यही उम्मीद करेंगे कि जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उनमें ऐसा कुछ ना हो कि तालिबान ने जो इतने लंबे समय में इतने कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो गेन किया है, थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी जो गेन की है, उसको जो है तालिबान सॉरी अफगानिस्तान जो है वो बिल्कुल भी खो ना दे, ठीक है। हम यही एक उम्मीद कर सकते हैं। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज इन इट्स क्वेस्ट टू गेट आउट द वॉर फेल्ड टू एक्सट्रैक्ट एनी मेजर कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम द तालिबान, ठीक है। वही बात जो आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि ये बहुत बड़ी फेलियर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, कि उन्होंने तालिबान से कोई मेजर कॉम्प्रोमाइज नहीं करवा सके वो, ठीक है, जो करवाना चाहिए था कि तालिबान की पावर जो है, तालिबान की जो मेंटेलिटी है उसको कर्व किया जा सके, तालिबान के इंटेंशन को कर्व किया जा सके, ठीक है। और जैसे कि सिक्योरिटी जो है, चाहे आप इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें, चाहे अफगानिस्तान के लोगों की बात करें, ठीक है, वो बढ़ सके, वो जो है सिक्योर हो सकती, ठीक है। इंसर्जेंट्स हु कंट्रोल मोस्ट ऑफ द कंट्री साइड आर ऑलरेडी अपबीट, ठीक है, वॉल्यूम्स बढ़ चुकी है, उसका यही कारण है कि जो आपकी इंसर्जेंट्स हैं, जो आपकी इंसर्जेंसी है वो बढ़ती जा रही है अब तालिबान में, उस अफगानिस्तान में, ठीक है। द नेक्स्ट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन शुड कैरी आउट एन ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ द एंटायर पीस प्रोसेस, ठीक है। हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो बाइडेन जब आए तो वो एक ऑनेस्ट रिव्यू करें पूरी स्थिति का, ठीक है, और ट्राई करें कि जो सब कुछ जो है पीसफुली अफगानिस्तान में चले, ठीक है, ज्यादा वॉयलेंस हमें देखने को ना मिले। द टॉक्स आर वाइटल टू फाइंडिंग अ लास्टिंग सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट, बट इट शुड नॉट बी ऑन द तालिबान टर्म्स, विच कुड इरेज वट एवर लिटिल प्रोग्रेस अफगानिस्तान हैज मेड सिंस द फॉल ऑफ द तालिबान, ठीक है। तो यही बात की गई है कि बातचीत आप कीजिए, बातचीत में हम चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा सोल्यूशन निकालें, लेकिन कोई ऐसा सोल्यूशन ना हो जो कि तालिबान की टर्म्स एंड कंडीशन पर बेस्ड हो, ठीक है, और ऐसा कुछ उससे ना हो कि जो चीज़ें जो अफगानिस्तान ने गेन की हैं वो अफगानिस्तान खो दे, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उन्होंने भी कहा था कि तालिबान ने जो इतनी मुश्किल से जो सब कुछ गेन किया उसको खोए बिल्कुल भी ना, ठीक है, उसको जो संभाल के अपने पास रखे, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट आर्टिकल है ग्रांटिंग बेल इज द रूल, ठीक है, जिसमें बेल से लेकर कुछ बातचीत की गई है, मेरे को पर्सनली ये आर्टिकल बहुत पसंद आया, ठीक है। डिस्कशन ऑन बेल रिफॉर्म यूजुअली अराइज व्हेन एक्सेप्शनल केसेस कैप्चर पब्लिक अटेंशन, ठीक है। अब वो एक्सेप्शनल केसेस कौन कौन से हैं वो आप अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आप एक्टिव होंगे अगर करंट अफेयर्स में तो आपको पता होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूंगा उसके बारे में, ठीक है, कोई आपके एंकर थे। हाउएवर बेल रिफॉर्म्स मस्ट बिगिन बाय एड्रेसिंग टू की फैसेट्स ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जुडिशियल रजिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरी सिक्योरिटी बॉन्ड, ठीक है। तो आपका जो बेल है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है आपकी, बेसिकली जुडिशियल डिस्क्रिशन एंड मॉनिटरी श्योरिटी बॉन्ड, ठीक है, चाहे आपके जज की जो आपके डिस्क्रिशन है उस पर, और आपको पता है मॉनिटरी बॉन्ड्स तो आपके लिए जाते हैं, ठीक है, बेल के लिए पैसे आपके जमा करवाए जाते हैं। तो जुडिशियल डिस्क्रिशन की बात करते हैं, द पावर टू ग्रांट बेल इज डिस्क्रिशनरी पावर वेस्टेड इन जजेस एंड इट्स मेंट टू बी एक्सरसाइज लिबरली, ठीक है। ये पावर आपके जजेस के पास होती है, ठीक है, नाम से पता लग रहा है जुडिशियल डिस्क्रिशन। एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज कंसिस्टेंटली रिटेटेड दैट बेल इज द रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कहा है कि जो जेल है वो एक एक्सेप्शन है और जो बेल है वो रूल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो बेल है उसको सपोर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जेल जो है वो बिल्कुल एक्सेप्शनल केसेस में ही आप दें, ठीक है, जेल, वरना जो है बेल जो है दे दी जाए अंडर ट्रायल को। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द बेल इज टू एंश्योर द एक्यूज पर्सन कंप्लायंस विद इन्वेस्टिगेशन सब्सिक्वेंट प्रेजेंस एट द ट्रायल इफ दे आर रिलीज आफ्टर अरेस्ट, ठीक है। तो बेल में आपको पता है कि यही ये जो ध्यान रखना चाहता है कि जो अगर आप किसी पर्सन को छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी जितने भी रूल्स हैं उनसे कंप्लाइंट हो, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन से जो है अपना पूरा पूरा कोऑपरेशन दे और ट्रायल के वो जो है प्रेजेंट हो जाए, ठीक है। इस सब बात को ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर हम जेल में उसको डाल देंगे तो कहीं ना कहीं उसकी लिबर्टी उस पर एक ऑब्स्टेकल लग जाएगा, एक बैरियर लग जाएगा, क्योंकि उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका जो राइट है वो वॉयलेट हो रहा है, ठीक है। और जबकि हमें उसका जो क्राइम है वो अभी सिद्ध भी नहीं हुआ है, ठीक है, वो भी अंडर ट्रायल है, ठीक है, अभी तक उसका जो क्राइम है वो सिद्ध नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल के राइट पे हनन है। एट प्रेजेंट द पावर टू ग्रांट बेल इज एक्सरसाइज स्पेरिंगली, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स इवन रूटीनली रिजेक्ट बेल फॉर स्पेसिफिक ऑफेंसेस लाइक माइनर एक्साइज ऑफेंसेस, ठीक है। तो अभी जो बेल ग्रांट करने की जो पावर है उसको स्पेरिंगली यूज किया जा रहा है, ठीक है, कुछ कुछ लोगों को मिल जाती है बेल, बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती, उनकी जो एप्लीकेशन पेंडिंग रहती है,
ठीक है, इट इज़। और कुछ लोगों को तो ऐसे ही मिल जाते हैं कि उनकी जो एप्लीकेशन है वो पहले वाली कोर्ट में, सबॉर्डिनेट कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन फिर भी उसको सबसे ज़्यादा एपेक्स कोर्ट में जाकर उसको मिल जाती है। ठीक है, तो आपके एक्सेप्शनल केसेस हैं। इट इज़ पर्टिनेंट टू नोट दैट अ मेजोरिटी ऑफ द दोस पुलिस अंडर एक्साइज लॉस बिलोंग टू मार्जिनाइज कम्युनिटीज। ठीक है, और जिन लोगों को एक्साइज लॉ के अंदर पकड़ा जाता है वो आपके मार्जिनाइज कम्युनिटी के होते हैं। ठीक है, आपके आदिवासी, SC ST होते हैं, OBC वाले होते हैं। ठीक है, और जब लोअर कोर्ट्स में बेल नहीं मिलती, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, जो कि ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते। ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग जो है बेशक अंडर ट्रायल है, लेकिन फिर भी इनको बेल नहीं मिलती। ये लोग जो है जेल में रहते हैं, उनके राइट्स का हनन वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, लिबर्टी इनपे से हट जाती है, छीन ली जाती है। डिपेंडेंसी ऑफ बेल एप्लीकेशन हैज पर्टिकुलरली इंक्रीज ड्यूरिंग द पैंडेमिक बोथ ड्यू टू द शटिंग डाउन ऑफ कोर्ट्स एंड द एक्सासर्बेशन ऑफ अरेस्ट। ठीक है, तो पैंडेमिक के वक्त ही सब कुछ बढ़ गया आपका, क्योंकि आपके पता है कोर्ट्स जो है वर्चुअल हो गए हैं। ठीक है, वो ऑनलाइन आपके कोर्ट्स मूव कर चुके हैं। ठीक है, और जो अरेस्ट हैं वो बढ़ चुके हैं, तो इसके द्वारा जो अरेस्ट हैं वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ठीक है, एक ऐसा टाइम जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जेल को खाली कीजिए, ठीक है, ताकि वहाँ पे पैंडेमिक या आपका कोरोना वायरस ना फैले। ठीक है, ऐसे टाइम में जो आपके अरेस्ट वो बढ़ दिए, वो बढ़ गए हैं। ठीक है, और बेल जो है वो मिल नहीं रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ख़राब बात है हमारे सिस्टम के लिए। और द सिस्टम ऑफ बेल टिपिकली रिक्वायर्स श्योरिटीज टू फर्निश अ बॉन्ड फॉर सम प्रॉपर्टी वैल्यू दैट्स अमाउंट डिटरमाइंड बाय द कंसर्न जज। ठीक है, तो आपका श्योरिटी बोर्ड जो बॉन्ड होता है वो आपका जज के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, द बेल अमाउंट इज सबॉर्डिनेट कोर्ट्स इवन फॉर पिटी ऑफेंसेस पनिशेबल बाय लेस देन 3 इयर्स इज मिनिमम ऑफ 10,000। ठीक है, तो छोटे से छोटे क्राइम के लिए भी जो आपका बेल अमाउंट होता है वो आपका 10,000 रुपीज का होता है। ठीक है, और अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो आपका 30,000 हो जाता है। ठीक है, तो इतने रिसोर्सेज जो है मार्जिनल कम्युनिटीज के पास नहीं होते पे करने के लिए। ठीक है, और अजीम प्रेमजी की यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट के मुताबिक 57% जो आपके इंडियंस हैं वो महीने में 10,000 से कम कमाते हैं। ठीक है, और सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो आपका 2011 में हुआ था, ठीक है, उसमें जो आपकी अगर हम ग्रामीण लैंडलेसनेस की बात करें तो 57% आपका ये परसेंटेज जाता है। ठीक है, अगर आप दलित या आदिवासी, अगर आप किसी बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, देयर फॉर दोज विदाउट असेट्स इवन वेन ग्रांटेड बेल एंड अप लैंग्विशिंग इन जेल और इनकर डेब्ट्स। ठीक है, तो जिनके पास असेट नहीं है, जिनके पास जमीन ही नहीं है, जिनके पास इनकम नहीं है, ठीक है, जो 10,000 से कम जो है अपनी इनकम एक महीने की कमाते हैं, ठीक है, तो वो जेल में रह, या तो जेल में रह जाते हैं, ठीक है, या फिर अगर बाहर आते हैं तो बाहर आने के लिए उनको जो है कर्ज लेना पड़ता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस जो है भी हमें देखने को मिले हैं रिसेंट रिपोर्ट्स में। ठीक है, बाहर आने के लिए ये आपका बॉन्ड अमाउंट पे करने के लिए जो है कर्ज लेना पड़ता है। और 1978 का आपका फेमस केस है मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इसको याद रखना। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन आता है तो इसको आप जरूर मेंशन कीजिए, क्योंकि केस अगर आप मेंशन करते हैं तो उसके मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें आपके जस्टिस D.R. कृष्ण अय्यर ने कहा था कि ये जो आपके हाई बोन अमाउंट होते हैं ये कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट प्रॉब्लम है। ठीक है, ये लोग पे अगर नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं इनको बेल जो है डिनाई कर दी जाती है, जिसके बाद उनके राइट्स पे कहीं ना कहीं खतरा बन जाता है। ठीक है, और उनका यही कहना था कि जो आपके श्योरिटी अमाउंट, जो आपका बोन अमाउंट है, उसको जो है पर्सन की सोशो इकोनॉमिक लोकेशन के बेसिस पे ही उसको डिटरमाइन करना चाहिए। ठीक है, जो मतलब अब आर्थिक स्थिति किसी इंसान की देख लीजिए कि वो आर्थिक तौर पे कितना जो है अफोर्ड कर सकता है, उसी के बेसिस पे जो है सपोज डिफाइन करना चाहिए। देन आपका है प्रेस पोस्टक्रेस बेल कंडीशन। ठीक है, कुछ कंडीशन आपको पता है बेल की कंडीशन अलग अलग दी जाती हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन द ग्वालियर बेंच ऑफ द MP हाई कोर्ट डीम्ड इट फिट टू इम्पोज पिकुलियर कंडीशन। ठीक है, आपकी एक ग्वालियर बेंच में एक आपकी कंडीशन लिखी गई थी कि जो आपका एक्यूज था ना, उसको जो है LED TV एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवाना पड़ेगा, एक वॉलेंट्री COVID-19 वॉरियर के तौर पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, और COVID-19 के लिए पैसे जो है डोनेट करने पड़ेंगे। तो इस तरह की जो आपके बेल कंडीशन है वो लगाई गई थी। बेल इन डिस्पूशंस बाय जजेस ओवर लोअर लोअर कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स हैव प्रेस्ड बाय विद लिटिल अकाउंटेबिलिटी और ओवरसीट बाय द एपेक्स कोर्ट। ठीक है, तो एपेक्स कोर्ट ने इतनी अकाउंटेबिलिटी इनसे नहीं ली। ठीक है, इनकी जवाबदेही जो है इतनी ज़्यादा नहीं की गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसको जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है इस बात को रेगुलेट करना चाहिए, इस बात पर ध्यान देना चाहिए, इसकी जो मॉनिटरिंग है वो करनी चाहिए। इवन वेन नॉट रिडिकुलस बेल कंडीशन कैन ट्रांसग्रेस पर्सनल लिबर्टी एंड आर ऑफन पैटर्नलिस्टिक कोर्ट्स इंट्रोस्पेक्ट लिटिल अबाउट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिबर्टी रीजनेबलनेस एंड प्रोपोर्शनलिटी व्हेन डिसाइडिंग बेल मैटर। ठीक है, तो इन सब पर बात जो है ध्यान देना चाहिए, जो इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। ठीक है, ये इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सब बात को ध्यान में रखते हुए, लिबर्टी को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही
जो है बेल मैटर्स, जो शॉर्टी अमाउंट से जो कंडीशंस है उनको डिफाइन करना चाहिए, ठीक है। तो देन आपका नेक्स्ट है 100 ट्राइंग टू एक्सपांड मार्केट्स फॉर फार्मर्स, ठीक है। तो इसमें आपका बस कल मोदी जी का कोई इवेंट था तो उसमें उन्होंने जो है यही कहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फार्मर्स के लिए मार्केट्स को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपका किसान रेल और किसान उड़ान है, ठीक है, किसान रेल और कृषि उड़ान, ठीक है। तो इसके बारे में जान लीजिए, कृषि उड़ान जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इसका लॉन्च किया था, ठीक है। आपके क्वेश्चन आते हैं कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, तो आपका इसका आपका है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, कृषि उड़ान का, ठीक है। तो याद रखना कृषि उड़ान विल बी लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसको लॉन्च किया जा चुका है, ठीक है, ऑलरेडी इसको लॉन्च किया जा चुका है। इट वुड एम टू इम्प्रूव वैल्यू रियलाइजेशन स्पेशली इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो आपको पता है ऑब्वियसली इसका जो रूट होगा वो आपका एयर रूट होगा, ठीक है, जिससे कि जो आपकी कॉमोडिटीज हैं उनको जो है अलग अलग जगहों पर ले जाया जा सके आसानी से, ठीक है, जिसकी वजह से फार्मर्स को अच्छी इनकम हो सके, अच्छी जो है उनकी ट्रेडिंग हो सके। देन आपका किसान रेल, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो स्टेटेड दैट द इंडियन रेलवे विल सेट अप किसान रेल थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, द किसान रेल वुड एंश्योर दैट पेरिशेबल गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड क्विकली, ठीक है। तो आपका किसान रेल जो है वो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आ चुका है, ठीक है। कल जो मोदी जी है उन्होंने 100 100 मतलब 100वीं किसान रेल को जो है कल उन्होंने झंडी दिखाई है, ठीक है। अगस्त में सबको स्टार्ट हुआ था इस साल, ठीक है, और अभी बढ़ के जो है 100 अमाउंट पर पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, पीपीपी मोड में इसको स्टार्ट किया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, ठीक है। तो इसका भी वही है कि जो आपके पेरिशेबल गुड्स हैं उनको जल्दी से जल्दी अलग अलग जगह पर ले जाया जा सके, ठीक है। इनमें आपको पता है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज में प्रोवाइड की गई है ताकि इन गुड्स को खराब होने से बचाया जा सके। कुछ अदर न्यूज की बात करें, देन फार्मर्स गेट इनवाइट फॉर टॉक्स अगेन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है इन्विटेशन दिया है फार्मर्स को बातचीत करने का, हमें यही उम्मीद है कि बातचीत हो और कंक्लूजन निकले। देन आपका पीएम फ्लैग्स ऑफ इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन मेट्रो आपकी एक है, ठीक है, इंडियन दिल्ली मेट्रो, ठीक है, उसमें आपकी पहली ड्राइवरलेस ट्रेन जो है उसको हरी झंडी दिखा दी गई है मोदी जी के द्वारा, ठीक है। देन आपका आर्मी चीफ बिगिन विजिट टू साउथ कोरिया, जो हमारे आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है, वो साउथ कोरिया की विजिट पे गए हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि इतना कुछ आया नहीं था उसमें। रिजॉल्व टेलीकॉम इश्यूज क्विकली COAI टू सेंटर, ठीक है, जो COAI है सेंटर को कहा है कि आप टेलीकॉम इश्यूज को जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए, जो आपके आपके एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के जो भी आपको डिस्प्यूट उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, आपकी एनालिसिस अच्छे से हो गई होगी, ठीक है। आज जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, ठीक है, मैंने फिर से जो है पॉइंट वाइज इसको पीपीटी को बना दिया था, ठीक है, कल थोड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया था, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल, थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब अचीव आईएएस और जॉइन अस ऑन टेलीग्राम, थैंक यू सो मच।